संगम युग का वर्षा यही है शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। उनके साथ के जीवन के प्रसंग जो है ना उसके बारे में बताऊंगा, उसमें लास्ट 40 मिनट जो है 10:15 तक करूँगा। मम्मा की जो अंतिम दिने जो है अप्रैल 1964 से जब मम्मा ने यह स्थूल शरीर छोड़ा, तब तक का बहुत ही गहरी अनुभूति का वो विषय है, क्योंकि ये मेरा कनेक्शन अपने यज्ञ के कई महारथी बहन भाइयों के साथ उनके शरीर छूटने के, जैसे मम्मा का, जैसे लौकिक ब्रह्मा बाबा के लौकिक युगल जसोदा माता है, दादी पुष्प शांता, ब्रिजेंद्र दादी, आत्म मोहिनी दादी, बड़ी दीदी, विश्व किशोर दादा, ऐसे ही मम्मा इन सब के साथ में उनके अंतिम क्षणों के साथ साथ थोड़ा सा संबंध संपर्क रहा। हर एक की अपनी अपनी स्थिति, अंतिम समय की स्थिति का, कभी एक मौका मिला तो इन सभी जो भी बड़े बड़े हैं उन सब की अंतिम अवस्था का और अंतिम दिनों का, किस प्रकार से इन्होंने अंतिम क्षण अनुभव की, फेस की, वो आपको बता सकूंगा। मैं मम्मा के बारे में बता रहा था, हम लोग यहाँ ही थे और मम्मा हापुड़ आदि का चक्कर लगा करके यहाँ आए। शाम को दिल्ली के भाई बहनों ने और जगह के भाई बहनों ने मम्मा का स्वागत भी किया, सब कुछ हुआ। बाद में रात में बाबा, मम्मा और मैं बैठा हुआ था, मम्मा ने वर्णन किया कि ऐसे हापुड़ में हुआ है, हंगामा हो रहा है, आर्य समाजी लोग ऐसा करते हैं, इन्होंने पानी बंद कर दिया, लेटरिन सफाई करने वाले को बंद कर दिया, बहुत कुछ परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में कर दी थी। वो सारी बातें सुनता रहा, मैं सुनता रहा, बाबा मम्मा दोनों लेन देन करते थे, मैं सुनता रहा। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा, मैंने मम्मा को सवाल पूछा कि हापुड़ की ऐसी परिस्थिति जो है, आप देख करके आए और आप सुना भी रहे, बाबा सुन भी रहे हैं, तो आप कोई इन परिस्थिति या इन प्रॉब्लम्स, परीक्षाएं जो है, इनसे आपके दिल में हलचल उत्पन्न नहीं होती है? आप जानते हैं हमारे सामने तो हाँ छोटी सी बात होती है, एक छोटा सा कॉकरोच भी आ जाता है तो भी हाँ। दो दिन पहले दादी जी पार्टी से अपने टीचरों से पूछ रही थी कि आप में से कॉकरोच से कौन डरता है, चूहे से कौन डरता है, ऐसे हम लोग तो इतने छोटी सी बात में हलचल में आ जाते हैं। और ये तो हापुड़ की बहुत बड़ा भारी केस हुआ था, आर्य समाजियों ने बहुत कुछ किया हुआ था, हंगामा, हमारे संतराम भाई और भी जो भी उस टाइम पर वहाँ पर जो थे मौजूद, वो आपको डिटेल में उसको समझा सकते हैं। तो मम्मा ने कहा नहीं, हमें हलचल नहीं होती है। मैंने कहा क्यों नहीं होती है? तो मम्मा ने कहा कि हम बाबा के सामने भी देख करके उन्होंने बोला, माना हम बाबा मम्मा दोनों का ही इसमें पार्ट है। कहा कि हमें एक